माय चैनल आई एम शोमजीत और आज हम फ्लेमिंगो की एक नई पोएम कीपिंग क्वाइट को कवर करने वाले हैं। सो इस पोएम के पोएट है पैब्लो नेरुडा, जिनका पेन नेम है निफ्ताली रिकार्डो रीस बेसाल्टो, बहुत ही लंबा सा नाम है। एंड ही हैज वॉन नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। सो बहुत ही पॉपुलर एक पोएट है पैब्लो नेरुडा। एंड इस पोएम में बेसिकली तीन पॉइंट्स को, तीन एस्पेक्ट्स को वो बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं। सो व्हाट आर दे? सो दे आर पीस एंड यूनिटी, इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो इन्हीं तीन मेन पॉइंट्स के ऊपर पूरा पूरा पोएम बेस्ड है। सो लेट्स सी इस पोएम में क्या क्या हम लोग लेसन पा सकते हैं, कितने इंटरेस्टिंग ये पोएम है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Now we will count to 12 and we will all keep still. So, यहाँ पे पोएम की शुरुआत में हमसे पोएट कहते हैं कि सब लोग 12 तक काउंट करें और सब लोग स्टिल रहे। Now why 12, मतलब 12 तक ही क्यों काउंट करें? Maybe because हमारी 12 आवर्स जो हमारे क्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज को वो इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर वो जो 12 मंथ्स होते हैं हमारे एक साल में उस चीज को वो इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब पोएट अल्टीमेटली चाहते हैं कि एज लॉन्ग एज, मतलब एक लंबा समय के लिए सब लोग चुप रहे या फिर साइलेंस में रहे, इंट्रोस्पेक्शन करे अपने आप को लेकर। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। अब लैंग्वेज से वो कहना चाहते हैं कि हम लोग बात नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने पहले एक पॉइंट कहा था इंट्रोस्पेक्शन के लिए। अब हम लोग इंट्रोस्पेक्शन कब बहुत अच्छे से, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि अपने आप को जानना या फिर कोई चीज को एनालाइज करना। तो हम जब खुद को एनालाइज करते हैं तो हम जब एक्शंस में रहते हैं तब हम खुद को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तब हम लोग बिजी रहते हैं। लेकिन जब हम लोग एक सॉलिट्यूड में रहते हैं, जब हम लोग साइलेंस के समय में रहते हैं, तब हम लोग खुद के एक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं, राइट? तो इसी चीज के बारे में वो कह रहे हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, मतलब हम लोग स्टिल हो जाते हैं एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब आर्म्स से यहाँ पर जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे अर्थ में बहुत सारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कभी कभी, राइट? तो वही कह रहे, कोई भी वेपन्स ना चलाए, मतलब कोई भी वॉर ना हो, जितने भी वॉर्स है वो स्टिल हो जाए, कोई भी किसी के साथ बैटल्स ना इनिशिएट करे, तो वो हम लोग ना करें, इसी चीज, मतलब इसी चीज को वो सिग्निफाई करना चाहते हैं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, without engines we would all be together in a sudden strangeness. So yahan pe exotic movement ka matlab kya, exotic movement actually yahan par kya wo indicate karna chahte hai ki ek kuch naya hoga, kuch alag hoga, kuch unconventional hoga, because normally hamara jo life hai ya fir hamara jo day to day activity wo chalte aa raha hai, wo kabhi stop nahi hua hai, kabhi bhi जो जितने भी फैक्ट्रीज है या फिर जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी लोग है, सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, मतलब वो कभी भी थमा नहीं है। तो जब ये एक सडन सडन ये जो स्टिलनेस जब आएगा, तब काइंड ऑफ एक अलग मोमेंट होगा, एक नया मोमेंट होगा, एक यूनिक मोमेंट होगा, विदाउट रश, विदाउट इंजिन, मतलब सारे कार्स को स्टॉप करने का बात किया गया है यहाँ पे, सारे इंडस्ट्रीज के बारे में कहा गया है, राइट? इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, जैसा कि एक स्ट्रेंजनेस ही होगा, सब कुछ अगर बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली सब कुछ शांत हो जाएगा, तो उस चीज को यहाँ पे कहा गया है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेव्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब जैसे कि फिशरमैन लोग वेल्स पकड़ते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए कीपिंग क्वाइट कहकर वो कहते हैं कि सारे एक्शन जितने भी फिशरमैन है वो एक इंट्रोस्पेक्शन में आ जाए, वो भी अपना जो फिशिंग का जो काम है वो छोड़कर वो एक साइड में आ जाए। तो जिससे क्या होगा कि फॉर अ मोमेंट जितने भी वो फिश को पकड़ते हैं, जैसे कि वो लोग फिश को पकड़ते हैं, तो ऑब्वियसली जो फिश
को हार्म पहुंचता है, राइट, बहुत सारे फिश मारे जाते हैं। तो वो उसी चीज के बारे में वो कह रहे हैं कि नो एंड वुड नॉट हार्म दी वेल्स एंड दी मैन गैदरिंग सॉल्ट। नॉर्मली हम सबको पता है कि सी वाटर से सॉल्ट बनाया जाता है, राइट। तो जो लोग, जो लेबर्स यहाँ पे काम करते हैं, तो वो लोग भी जब इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे, तो वो शांत बैठकर वो अपने जो हर्ट हैंड्स है, मतलब जब नॉर्मली जब सॉल्ट का जो काम होता है लेबर्स लोग, ऑब्वियसली बहुत सारे रैशेज आ जाते हैं उनके हाथ में, बहुत सारे हर्ट्स होते हैं, तो काम करने की वजह से, एक पॉवर्टी की वजह से, तब वो लोग उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते, राइट। लेकिन जब वो लोग अपना काम को छोड़कर साइड में जाकर एक सॉलिट्यूड में बैठकर जब वो लोग सेल्फ एनालिसिस करेंगे अपने कंडीशन के ऊपर, तब काइंड ऑफ वो रियलाइज कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं पैसे कमाने के चक्कर में वो खुद को भी बहुत ज्यादा हार्म कर रहे थे, राइट। तो इन्हीं चीज के बारे में इस स्टैंजा में कहा गया है। नेक्स्ट आता है, दोस हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। So, यहाँ पर जो दोस्त हू प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, और ग्रीन वॉर्स का मतलब क्या होता है, वॉर्स अगेंस्ट दी नेचर, बिकॉज यहाँ पे ग्रीन कहा गया है, ग्रीन ऑलवेज सिग्निफाइड आर नेचर, ट्रीज एंड ऑल। तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जो लोग प्रिपेयर करते हैं, मतलब जो लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, या फिर जो लोग वॉर विद गैस, यानी कि जो बैटल्स होते हैं, तो बैटल्स में कभी कभी नॉर्मली क्या, कभी कभी क्या होता है कि बायोलॉजिकल वॉर्स होते हैं, केमिकल वॉर्स होते हैं, या फिर वॉर्स विद फायर। तो वॉर्स एक्चुअली एक ऐसा, मतलब ऐसे दिखाया जाता है कि वॉर्स से विक्ट्री आएगा, लेकिन वो एक ऐसा विक्ट्री है जिसमें एक्चुअली बहुत सारे लोगों शहीद हो जाते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स है शहीद हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली अगर दो कंट्रीज के बीच में जब वॉर होता है, तब हो सकता है कि कोई एक कंट्री जो जीतता है एट लास्ट, वो एक सर्टेन रीजन को, या फिर जिस भी कारण के लिए वो जो वॉर हो रहा है, वो स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, लेकिन इन रिजल्ट ऑफ दैट उन्हें बहुत सारे सोल्जर्स को अपने गंवाना पड़ता है, या फिर खोना पड़ता है। तो उनके रेस्पेक्ट में पोएट ने कहा है कि जो लोग ये वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, वो लोग क्लीन क्लोथ्स पहने एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। क्लीन क्लोथ से यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग के बारे में ही कहा है उन्होंने, एक्चुअली क्लीन क्लोथ्स मतलब एक न्यू बिगिनिंग, मतलब ऑब्वियसली जब वॉर होते हैं तब बहुत ही खून खराबा होता है, तब तो उसी चीज को कहीं ना कहीं मेटाफोरिकली कहने के लिए उन्होंने कहा है कि क्लीन क्लोथ्स पहन ले, जिससे एक न्यू बिगिनिंग होगा, उस न्यू बिगिनिंग में सबके साथ फ्रेंडशिप करके एक ब्रदरहुड का एटमोस्फेयर वो चाहते हैं, इन द शेड एंड डूइंग नथिंग, मतलब एक सॉलिट्यूड, एक स्टिलनेस। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। अब पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ स्टिलनेस के बारे में, मैं जो न्यू बिगिनिंग के बारे में कह रहा हूँ, इसे प्लीज कंफ्यूज इस चीज से ना किया जाए कि टोटल इनएक्टिविटी ना हो, मतलब टोटल इनएक्टिविटी यहाँ पे सिग्निफाई करता है डेथ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि डेथ जैसा सिनेरियो ना हो, बस कहना चाहते हैं कि जो भी चीजें चल रही है, जैसे वॉर्स हो गया, या फिर डिफोरेस्टेशन हो गया, या फिर एक दूसरे के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, तो इन चीजों को वो एटमोसफेयर से, या फिर सोसाइटी से कट आउट करना चाहते हैं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। इफ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। सो यहाँ पे कहा गया है, जैसे कि मैंने कहा, ट्रक विद डेथ, यानी इनएक्टिविटी को डेथ से मतलब नहीं रिलेट किया जाए। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि हम सबको एक सिंगल माइंडनेस रूप से नहीं सोचने के लिए, सबको लेकर एक यूनिटी, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या फिर यूनिटी के बारे में हम जो हमेशा कहते हुए आ रहे हैं, उन चीज को फोकस करने के लिए वो कहते हैं। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आर सेल्फ, ऑफ थ्रेटनिंग आर सेल्फ विद डेथ। वो कहते हैं कि ये जो ह्यूज साइलेंस, द साइलेंस ऑफ द इनएक्टिविटी,
बॉयकॉटिंग ऑफ दिस वर्ड्स वो एक सैडनेस, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि वर्ड्स हमेशा फ्रूटफुल नहीं होता है. वर्ड्स जैसे कि अगर कोई भी कंट्री के सोल्जर्स शहीद होते हैं तो उनके फैमिली के ऊपर बहुत ही एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये तो उसी चीज के बारे में कहा गया कि उन सैडनेस को ये जो स्टिलनेस है, ये जो साइलेंस है, वो मिटा देगा. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count to 12 and you keep quiet and I will go. So, poet यहाँ पे कहते हैं कि हमें अर्थ से कुछ लेसन लेना चाहिए कि जैसे कि अर्थ में जितने भी नेचर में जितने भी ट्रीज ग्रो हो रहे हैं तो हमें कभी भी ऐसा मतलब साउंड आता है कि ट्रीज ग्रो हो रहा है, राइट? ऐसा कभी नहीं होता है. तो वो साइलेंस में ही चीजें ग्रो हो रही है, साइलेंस में ही ब्यूटीफाई हो रही है नेचर. तो वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे ही एक साइलेंट तरीके से ग्रोथ, एक ब्यूटीफाइड मैनर में चीजों को आगे ले जाना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, रादर देन बींग डिस्ट्रक्टिव, रादर देन किलिंग अदर पीपल, रादर देन मतलब लोगों को मार के, ऐसा नहीं मतलब एक दूसरे के खिलाफ जंग छिड़क के ऐसे कोई भी चीज हमें ऑक्यूपाई नहीं करना है. रादर बहुत ही पीसफुली, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मैनर में सारी चीजों को कल्टिवेट करना है, राइट? एंड वो लास्ट में कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो. सो पोएट लास्ट में कहते हैं कि मैंने सारे जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने बता दिया है, तो अब आप लोग सभी क्वाइट रहिए और मैं चला जाऊंगा. सो इसी के साथ ये पोएम का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है. सो हम लोगों ने इस पोएम से क्या मोरल वैल्यूज लिया कि हमें कभी कभी लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है, अपने एक्शंस को सेल्फ एनालिसिस करना पड़ता है. हमेशा अगर बिजी रहेंगे तो हम लोग जो एक्शंस करें क्या वो राइट है या फिर रॉन्ग है, उस चीज का जजमेंट नहीं कर पाएंगे. तो इसी चीज के बारे में उन्होंने फोकस किया है और अंडरस्टैंडिंग के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है. उन्होंने कहा कि हम सबको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रहना चाहिए, राइट? सो ये खत्म होता है ये पोएम. आई होप आपको ये पोएम की एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो. मैंने सारे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं, जितने भी पोएम्स कवर किए, सारे नोट्स मैंने अपलोड कर दिया है. उनके प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इस पोएम के भी नोट्स बहुत ही जल्द आ जाएंगे. सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप लिविंग.